नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सियाराम स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड की। दोस्तों, आप सभी ने इस कंपनी के व्हीकल्स जरूर देखे होंगे रोडों पर, ठीक है ना। तो ये वही कंपनी है और ये कंपनी करोड़ों में बिजनेस करती है। तो क्या इस शेयर को हमें अभी खरीदना चाहिए? खरीदना है तो किस स्ट्रेटजी के साथ खरीदना चाहिए? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? गारंटी है एक एक बात समझ में आएगी, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आते ग्राफ की ओर अपने। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, देखो हमने ना पहले भी एक वीडियो में इसका हिंट दिया था कि अशोक लेलैंड लॉन्ग टर्म के लिए हीरा है। तब ये शेयर 145 रुपये पे चल रहा था और देख सकते हो अभी ये शेयर 155 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 154.25। और मैं फिर कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप अभी भी खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़ने के चांसेस हैं और इसके फंडामेंटल्स, खासकर शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो पहले हम अपने ग्राफ को देख लेते हैं, इसका जो ग्राफ है वो इसे कैसे जस्टिफाई करता है। आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो, जो शेयर की आज की मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे शेयर जो ओपन हुआ था वो होता 149 पर। उसके बाद इसने 154.30 का हाई लगाया और 149.15 का लो लगाया। आज के इसके रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आज के दिन में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, इसमें 4% की इसमें आज तेज़ी देखने को मिली है। बीते 5 दिन की बात करें तो बीते 5 दिन में केवल 5% की तेज़ी मिली है। और बीते एक महीने की बात करें तो बीते एक महीने में देखो इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी, मतलब कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट। अब इसका मतलब साफ साफ है कि पिछले एक दिन में, यानी आज ही से, इसमें ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है, ठीक। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको 6 महीने का, 6 महीने में भी कंपनी पॉजिटिव है और 30% का रिटर्न कंपनी ने हमें दिया है। उसके बाद बात करते हैं 1 साल की, 1 साल में कंपनी ने हमें 25% का रिटर्न दिया, जो कि एवरेज है। अब बात करते हैं बीते 5 साल की, अब 5 साल में देखो कंपनी ने हमें 36% का रिटर्न दिया। 5 साल में भी कोई इतना तगड़ा रिटर्न नहीं है, लेकिन 5 साल में आप सभी को याद होगा जब कोरोना आया था तो शेयर का प्राइस जो बहुत डाउन गया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां देखिए, कोरोना समय में शेयर का प्राइस 38 रुपये तक भी गया था 2020 में जब कोरोना आया था। और जिस बंदे ने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के इन्वेस्ट किया था ना, वो आप देख सकते हो उसने कितना तगड़ा रिटर्न कमाया होगा। आपको मैं यहां से दिखाऊं तो उस बंदे ने कितना तगड़ा रिटर्न यहां कमाया होगा आप खुद देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। उसने कम से भी कम 194, ये एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा, अदरवाइज़ उसने 250% के आसपास का रिटर्न जब से अब तक कमा लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसके हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक लार्ज कैप मार्केट कैप वाली कंपनी है, 45,207 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। इसका ज़रूर हमें स्टॉक पीस ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें सुधार की ज़रूर ज़रूरत है। कंपनी की ROC 6.25 और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 1.68 है। कंपनी का करंट प्राइस 154 रुपये है। कंपनी हमें 0.65% का डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। कंपनी के हम अगर ईयरली रिजल्ट को चेकआउट करें तो आप देख सकते हैं कंपनी की सेल लगातार ग्रो कर रही है, यानी अगर हम 2021 के मुकाबले ही देखें तो कंपनी की 7,000 करोड़ की सेल बढ़ी है 2021 के मुकाबले 2022 में। इसको हम 12 महीने के कंसेक्यूटिव डेटा पर देखें तो 30,000 करोड़ की सेल हुई है, यानी 2021 के मुकाबले ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की सेल बढ़ी है, यानी कंपनी की सेल लगातार ग्रो कर रही है। अब देखो नेट प्रॉफिट, जब कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही है तो ये नेट प्रॉफिट नेगेटिव में क्यों आ रहा, सोचने वाली बात है। देखो सबसे मेन कारण था कि कंपनी को भाई लॉस हुआ है किसी अदर इनकम, यानी किसी अदर बिजनेस में भी कंपनी को लॉस हुआ है, तो उसका असर भी यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक। उसके बाद कंपनी को ना देखो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा, अच्छा खासा इंटरेस्ट कंपनी का जा रहा कर्ज की वजह से, अच्छा खासा इंटरेस्ट कंपनी को पे आउट करना पड़ रहा हर साल, ठीक है। अब ऐसा तभी होगा जब कंपनी के पास कर्ज होगा। जी हाँ, कंपनी के पास जरूर इस समय कर्ज ज़्यादा है, जो कि 24,145 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ा और सेल ज़्यादा होने के बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में अभी आ रहा है। अब देखो यहाँ तक सब कुछ एवरेज था या एवरेज से भी बिलो था। अब कंपनी में ऐसा स्ट्रॉन्ग क्या है जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है? एक तो मैंने ग्राफ दिखा दिया, देखो ग्राफ में तेजी ऑलरेडी आपको देखने को मिल चुकी है, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन पहले एक वीडियो में सजेस्ट किया था।
उसके बाद देखो सबसे मेन चीज, प्रमोटर्स होल्डिंग 51.54, मार्च 2022 वाले क्वार्टर में भी यही थी, दिसंबर 2022 में भी यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है जून तो मार्च 2020 से। ठीक, अब मैं गलत नहीं कहूँ तो आपको ऑलमोस्ट दिख रहा होगा 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं प्रमोटर्स का इसमें लगातार पैसा बना हुआ है। और जो जून वाला क्वार्टर आया था उसमें भी आप देख सकते हो पैसा कंपनी का प्रमोटर्स पे बना हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्च 2022 वाले क्वार्टर में 13.45, और अब जो जून का क्वार्टर आया ना नया, उसमें और ज़्यादा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डाला है, यानी जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, उन्होंने और ज़्यादा पैसा इसमें डाला है। डीआई की देखोगे, डीआई की भी इसमें 21.73% की हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी पैसा है, गवर्नमेंट की इसमें 0.08% की हिस्सेदारी है, पब्लिक पे केवल 11.62, यानी पब्लिक पर केवल 11% है, 89% जो है ना वो प्रमोटर्स एफआई और डीआई पर है। इसका साफ साफ संकेत है कंपनी का जो बिजनेस आने वाले समय में बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये केवल कंपनी का बिजनेस इंडिया में नहीं देखते हैं, इन्हें पता होता कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बाहर भी हिट होने वाला है, तो इन्हीं चीज़ों को जो हम नहीं पहचान पाते ना, वो ये चीज़ पहचान लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करेंगे ना, तो हम डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, और जिसकी वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि शेयर काफ़ी ऊपर जाने वाला है। कंपनी का जो करंट प्राइस है, मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 154 रुपये है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, शेयर आपको काफ़ी तगड़ा रिटर्न बनाकर देगा, लेकिन जो कंपनी के नंबर्स हैं उन्हें सुधरने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर देगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म, बार बार कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, करंट प्राइस 154 रुपये है। अब आप इसको किस प्राइस रेंज पे परचेज करें, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हो तो ये प्राइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो जाएगा। 154 रुपये आपके लिए बुरा प्राइस नहीं रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। दोबारा बोल देता हूँ, 154 रुपये पर अगर आप खरीदते हो तो आपको SL किस्त कितने का लगाना है। आप देख सकते हो कंपनी 93 का लो लगाया था 52 वीक, जो कि वहाँ तक आने की कंपनी की कोई ज़्यादा संभावना है नहीं। आप, मैं फिर भी कहूँगा आपको 120 रुपये का इस पर SL लगा के काम करना, SL जरूर लगाना। जो अपना रिस्क होता है ना, जो अपना लॉस होता है, उसे जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करके चलना चाहिए, ठीक है। तो SL जरूर लगाना 120 का। उसके बाद टारगेट लॉन्ग टर्म में, ये डेफिनेटली 250 प्लस का टारगेट आपको अचीव करता हुई कंपनी नज़र आ जाएगी, ठीक है। बहुत कम ऐसे शेयर होते हैं जिन्हें हम अगर हम पहले पहचान लें तो डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छा करने वाले होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जब इसके फंडामेंटल सुधर जाएंगे, इसके डेब्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, तब तो भाई बहुत सारे लोग होंगे ना पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब तक शेयर बहुत ऊपर जा चुका होगा। आपको पहचानना क्या है, मैंने आपको दिखा दिया, जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, केवल इंडिया में बिजनेस नहीं देखते हैं, ये बाहर भी बिजनेस देखते हैं, तो कंपनी ना बाहर भी हिट होने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका शेयर का फ्यूचर जो है, कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो ये छोटी छोटी बातें कुछ समझने की होती हैं, हर चीज़ आपको ग्राफ पे या स्टैट्स आप नहीं समझ पाओगे, कुछ अपना सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक है ना। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अन्य इन्फॉर्मेशन हम आपको समय रहते आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।